Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing important concepts on plant growth. Okay. So, everything related to plants like plant tissues, plant reproduction, plant hormones that will be discussed here. Okay. In today's class plus the ecology. Okay. So, let's get started with the class. Okay. सो यस द फर्स्ट थिंग अंडर दिस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग इज द प्लान टिश्यूज ठीक है तो प्लान टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टिश्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है ठीक तो है कि टिश्यूज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट आर बीइंग असाइंड स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है तो जो जो ग्रुप होता है सेल्स का ओके जिनको एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए असाइन किया जाता है और यू नो दे आर बीइंग गिवन अ पर्टिकुलर टास्क और स्पेसिफिक रोल ठीक है सो दे आर नोन एज टिश्यूज जैसे अभी हम पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे आप सबने जाइलम फ्लोएम सुना होगा इफ नॉट वी विल बी डिस्कसिंग हियर ओके तो जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना फ्लोएम का काम होता है टू कंडक्ट द फूड ओके अब यहां पे जो यू नो लाइक दे आर ऑल्सो टिश्यूज ओके ये भी टिश्यूज हैं और इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है ठीक है सो दे आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स द जाइलम एंड फ्लोएम बट दे आर बीन गिवेन अ स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म ठीक है सो दिस इज टिश्यूज नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यूज तो आप ये टेबल देखिए दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज सो प्लाट्स दे आर बींग कैटेगराइज इन टू दीज टू पार्ट्स ओके तो एक होता है मेरेस्टमैटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू ठीक है सो वन इज द मेरिस्टमैटिक अदर इज दर्मानेंट टिश्यू मेरिस्टमैटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं एज आई एव टोल्ड यू की टिश्यू जो होता है वो सेल का ही बना होता है तो जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग ओके लाइक दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन ठीक है तो जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू की सेल्स हैं सिंस दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग दे विल गोइंग टू प्रमोट ग्रोथ ठीक है dividing, growth, तो मेरेस्टोमैटिक टिश्यू का फंक्शन होता है या मेरेस्टोमैटिक सेल्स का फंक्शन होता है टू प्रमोट ग्रोथ ठीक है सो द फंक्शन ऑफ मेरिस्टोमैटिक टिश्यू इज टू प्रमोट ग्रोथ ओके नाउ बेस्ड ऑन द डिफरेंट लोकेशन वेयर इट इज प्रेजेंट ये तीन टाइप के होते हैं द फर्स्ट इज द एपिकल सेकेंड इज द लेटरल एंड द थर्ड इज द इंटर कैलोरी मेरिस्टम ठीक है तो पहला तो एपिकल मेरिस्टम है क्योंकि वो एपेक्स पे प्रेजेंट है टिप पे प्रेजेंट है ठीक है जैसे रूट टिप पे शूट टिप पे ठीक है उसके बाद जो लेटरल है दैट इज यू नो प्रेजेंट लेटरली साइड्स पे प्रेजेंट है ओके सो इट इज प्रेजेंट ऑन दी साइड्स इंटर कैलरी जो होता है वो इंटर पे प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स पे नोड्स और इंटरनोड्स इट इज प्रेजेंट ऑन दी नोड एंड हेल्प इन इंटर नोट एलोंगेशन ठीक है आप ऐसा समझ सकते हैं उसके बाद जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर दिम्पल वन एंड द कॉम्प्लेक्स वन जैसे पेरिन कायमा कॉलेन कायमा एंड स्क्रन कायमा दीज आर द थ्री सिम्पल परमानेंट टूज स्क्न कायमा इट इज फर्दर डिवाइडेड इन फाइबर्स एंड स्क्डस ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स वन सो द कॉम्पलेक्स इज यू नो डिवाइडेड इंटू जाइलम एंड द फ्लोएम ओके तो जो कॉम्प्लेक्स है वो जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड है ओके okay? अब देखिए अब इसको आ, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ओके बट सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है ओके okay? और ये जो परमानेंट टिश्यू है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू आई हैव टोल्ड यू कि यू you नो know, इनका एक ही रोल होता है टू प्रमोट ग्रोथ राइट बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग द सेल्स आर डिवाइडिंग ऑल द टाइम प्रमोटिंग ग्रोथ बट ये परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं तो द फैक्ट इज जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं वही अल्टीमेटली परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं इस प्रोसेस को हम डिफरेंसीएशन कहते हैं वट वट डू वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू टू परमानेंट हम इसको कहते हैं डिफरेंसीएशन ठीक है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंसीएशन ओके राइट right, तो ये डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस में क्या होता है मेरिस्टोमैटिक टिश्यू जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डिवाइड करना बंद करती हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड टू दिस परमानेंट टिश्यू ठीक है tissue, तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं दे आर बीन गिवन अ स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं जैसे यू you नो know, जब हम लोअर ग्रेड्स में होते हैं हम सेवेंथ एथ ग्रेड में होते हैं तो हम एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट साइंस ठीक है तो उसमें हम मशीन्स के बारे में भी पढ़ते हैं यू नो केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स एनिमल्स सब के बारे में पढ़ते हैं ठीक है बट एज सुन एज वी यू नो मूव टू द हायर ग्रेड जैसे हम हायर ग्रेड में जाते हैं लाइक यू नो नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तो वो जो एक साइंस सब्जेक्ट है ना वो डिफ्रेंशिएट हो, हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है थ्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ठीक है तो अब हम क्या पढ़ते हैं अब हम फिजिक्स पढ़ते हैं मशीन्स के लिए केमिकल्स पढ़ना हो तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ना हो तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ठीक तो है तो ये जो प्रोसेस है यू नो कन्वर्शन ऑफ दिस जनरलाइज्ड सब्जेक्ट साइंस टू द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ठीक है सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हुआ है ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू थी ये जनरलाइज्ड सेल है जनरलाइज्ड मतलब इनका एक ही फंक्शन है टू प्रमोट द ग्रोथ बट इफ यू टॉक अबाउट द परमानेंट इश्यू तो ये स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं ओके okay?

वो थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में भी समझ लेते हैं देखिए एज आई टोल्ड यू कि जो होता है ये सेल्स होते हैं ओके एंड एंड दे डिवाइड बिकम दी टाइप ऑफ सेल ठीक है ये डिवाइड होते हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल बनते हैं मेरेस्टम टिश्यू जो होते हैं इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउस प्लांट्स टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज टिश्यूज ओके तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जो भी डैमेज टिश्यू है उन्हें रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं ओके okay? राइट right? नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि बेस्ड ऑन द डिफरेंट पोजिशन दरिस्टमैटिक टिश्यूज डिवाइडेड इन टू दीज थ्री टाइप्स ओके तो पहला हो गया यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम ठीक है दूसरा है यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज इंटर कैलरी ठीक है अब देखिए एपिकल मेरिस्टम रूट टिप पे प्रेजेंट होगा शूट टिप पर प्रेजेंट होगा और ये हाइट को बढ़ाएगा ठीक है देखिए दो टाइप की ग्रोथ होती है एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो हाइट को बढ़ाती है लेंथ वाइज ग्रोथ होती है ये और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये विथवाइज ग्रोथ होती है या आप समझ सकते हैं ग्रोथ इन थिकनेस या यू नो ग्रोथ इन लाइक द हॉरिजोंटल ग्रोथ ठीक है तो प्राइमरी ग्रोथ तो वर्टिकल ग्रोथ हो गई वर्टिकल ग्रोथ और जो सेकेंडरी ग्रोथ है दैट इज हॉरिजोंटल ग्रोथ ठीक है राइट right? अब देखिए ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये गिर्थ को बढ़ाएगा गिर्थ मतलब थिकनेस को बढ़ाएगा ग्रोथ ग्रोथ है हॉरिजॉन्टल को प्रमोट करता है तो जो लेटरल मेरिस्टम है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है और जो एपिकल और इंटर कैलरी है दे हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ ठीक है तो देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर एपेक्स पे प्रेजेंट है टिप पे प्रेजेंट है तो उस मेरिस्टम को हम एपिकल कहेंगे वेदर इट इज रूट टिप और शूट टिप ठीक है उसके बाद जो साइड्स में प्रेजेंट है उन्हें हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं होल्ड ऑन ठीक है जो साइड्स में प्रेजेंट है यहां पे आप देख सकते हैं इनको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं ओके okay? ये गिर्थ को बढ़ाते हैं और जो ये नोड्स है ना जहां से ये आपकी लीफराइज होती है आर द नोड्स ओके जहां से लीफराइज होती है तो इस नोड पे प्रेजेंट होते हैं इंटर मेरिस्टम और इनका काम होता है इंटरनोड को एलोंगेट करना अब इंटरनोड क्या है ये दो नोड्स हैं सपोज ये एक नोड है और ये एक नोड है इनके बीच के डिस्टेंस को हम इंटरनोड कहते हैं इंटरनोड इंक्रीज द गर्थ ओके एंड एपिकल वन विल द हाइट ओके तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो प्लांट टिश्यूज और इफ यू बी स्पेसिफिक दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दस्टमैटिक टिश्यूज ओके अब आगे बढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज पे बात करते हैं पेरेन कायमा कोलिन कायमा और स्कलीरन कायमा की ओके सो द डायग्राम्स आर ऑलरेडी मैंशन हियर की इनकी सेल्स कैसी होती हैं ओके देखिये जो पेरेन कायमा होते हैं दे आर द लिविंग वन दे आर द लिविंग सेल्स ओके कोलिन कायमा भी लिविंग होते हैं एंड स्क्न कायमा दे आर द डेड सेल्स ठीक है फंक्शन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर और फंक्शन दो ही चीज है जिसमें आपको यू नो फोकस करना है ठीक है बायोलॉजी में स्ट्रक्चर और फंक्शन यही दो है इंपॉर्टेंट राइट right? तो स्ट्रक्चर में आपने देख लिया कि यू नो लाइक लिविंग है पेरेंट कायमा जो इसकी वॉल सेल uh, की जो वॉल होती है ना थिन वॉल्ड होती है थिन वॉल्ड ओके फंक्शन इसका क्या होता है स्टोरेज होता है बट आपने कहीं कहीं इसके मॉडिफिकेशन के बारे में भी सुना होगा जैसे कि क्लोरिन कायमा ओके okay, या एयर कायमा तो अगर इसी पेरेंट कायमा में जिसका काम स्टोरेज है ओके okay, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो हम उन्हें कहते हैं क्लोरेन कायमा उनका फंक्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना ठीक है द अदर टाइप इज द एयर एंड कायमा ओके तो अगर इन्हीं पेरेंट कायमा में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है एयर कैविटीज प्रेजेंट है तो यू you नो know, उसका नाम एरन कायमा हो जाता है और उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड ओके इज बायसी वायंसी द एबिलिटी टू फ्लोट ठीक है तो जो आपने वॉटर लिली और लोटस को फ्लोट करते हुए देखा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एरन कायमा दे आर फ्लोटिंग ओके ठीक है तो ये तो पेरन कायमा का स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया कॉलेन कायमा की बात करते हैं तो जो इनकी सेल होती है उसमें कॉर्नर्स पे थिकनिंग थिकनिंग पाई जाती है ठीक है दे आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स और वो जो थिकनिंग होती है वो होती है पेक्टिन की सेल्यूलोस की और हेमी सेल्यूलोस की हेमी सेल्यूलोर्स ठीक है right? राइट उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है इसका फंक्शन क्या है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ओके ना यू ऑल मस्ट हैव सीन द मनी प्लांट ठीक है मनी प्लांट की जो स्टेम होती है इट कैन इजली कॉल अराउंड अ सपोर्ट एंड ग्रो ठीक है वो इजली एक सपोर्ट है उसके अराउंड कॉयल करता है एंड देन इट ग्रोज राइट तो वो जो फ्लेक्सीबिलिटी है इन द स्टेम ऑफ मनी प्लांट इट इज प्रोवाइडेड बाई द कॉलन कायमा ओके स्क्र कायमा की बात करते हैं तो ये डेड सेल्स होती हैं इनमें जो थिकनिंग होती है वो लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है लिग्निन ओके राइट और ये हेल्प करते हैं इन द मैकेनिकल सपोर्ट ठीक है ये हार्डनेस देते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट राइट ओके की बात करते हैं तो आपने वॉलनट का कवर देखा होगा इट इज सच अ हार्ड कवर ठीक है तो जो वॉलनट है जो अखरोट का कवर है द कवरिंग ठीक है सो दैट इज ऑल्सो हैविंग द स्क्र एंड कायमा इन इट ओके ठीक है अब देखिए वैसे तो इनमें दिस uh, कंपेरिजन इज ऑल्सो है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड कर लिया है ठीक है डिस्कस कर लिया है देखिए थिन वॉल होते हैं सेल्यूलोर्स के बने होते हैं इंटरसेल्यूर स्पेस प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स एट मेच्योरिटी फोटोसेंथिस करते हैं ओके एंड दे आर वेरी दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट ओके कॉलिन कायमा की बात करें तो पिटियोल लीव्स और यंग लीव्स में होते हैं स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ओके सेल वॉल में देखिए सेल्यूलोर्स और पेक्टिन की थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे लिटिल इंटरसेल स्पेस प्रेजेंट होता है प्लांट राइट स्किल्स स्कलीरन कायमा जो होता है वो मेच्योर पार्ट में पाया जाता है ओके इट इज फाउंड इन द मेच्योर पार्ट जो की यू नो हार्ड होते हैं रिजिड होते हैं सो स्पेशाइज सेल्स ये भी होते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ थिक एंड रिजिड सेल वॉल ठीक है लिग्निन का इसमें डिपोजिशन होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा था कोई इंटरसेलोर स्पेस नहीं होता कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मेच्योरिटी ओके तो डेड सेल्स होती है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर द मेजर फंक्शंस ठीक है तो इफ यू गो थ्रू दिस यू नो पर्टिकुलर कंपैरिजन तो इसमें आपको स्ट्रक्चर फंक्शन एवरीथिंग इज मैंशन ओके सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अब चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स यस uh, yes. uh, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं जिसमें आता है जाइलम और फ्लोएम ठीक है सो दे आर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ठीक है ओके अब देखिए एज वी हैव डिस्कस जो जाइलम है ना उसका फंक्शन होता है वाटर को कंडक्ट करना मिनरल्स को कंडक्ट करना फ्लोएम का फंक्शन है फूड को कंडक्ट करना ठीक है अब एक मेजर डिफरेंस जो जाइलम और फ्लोएम में है वो है उनके डायरेक्शन का जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है बिकॉज वो रूट वाटर को मिनरल को अब्सॉर्ब करती है एंड इट इज़ टेकन टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट तो ये डाउन से अप एक डायरेक्शन में जाता है ठीक है बट फ्लोएम में क्या होता है जो फूड है वो लीफ में प्रिपेयर होता है एंड इट इज टेकन डाउन ऑल्सो टू द रूट्स एंड यू नो टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तो इसीलिए जो फ्लोएम में मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है ठीक है ओके सो इफ यू डिस्कस द डिफरेंट पार्ट ऑफ जाइलम तो जाइलम में ट्रिकीड्स होते हैं वेसल्स होते हैं जाइलम पेरन कायमा जायलम फाइबर्स होते हैं ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेंट कायमा जो कि लिविंग पार्ट है देखिए पेरेंट कायमा कहीं भी होगा वो लिविंग होगा ठीक है ओके okay. अब फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में भी सीफ ट्यूब्स हैं कंपेनियन सेल्स हैं ठीक है देन फ्लोएम फाइबर्स हैं फ्लोएम पेरेंट कायमा है तो फ्लोएम में सारे कॉम्पोनेट लिविंग होते हैं ओनली द फ्लोएम फाइबर्स आर डेड जो फ्लोएम फाइबर्स हैं दे आर द डेड हियर ओके ऑल एल्स आर लिविंग एंड इन जाइलम इनलम पेरेंट द लिविंग हियर ऑल एल्स आर डेड ठीक है राइट ओके सो मूविंग अहेड यस अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में जो कंपेरिजन है या जो डिफरेंस है देखिए जाइलम इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल सेल वॉल थिक होगी लिग्निन का डिपोजिशन होता है सेल्स आर इम्पर्मीएबल टू वाटर डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म दे आर डेड राइट ओके यूनिडायरेक्शनल है ये हमने पढ़ा है ओके okay. सिमिलरली आप फ्लोएम में देखिए लिविंग सेल्स हैं सेल वॉल थिन है सेल वॉल सेल्यूलोस की बनी होगी परमिएबल टू फूड है ओके एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए टीपी एंड कैरीज फूड बाय ओके फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज पार्ट फ्रॉम स्टोरेज पार्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ठीक है राइट तो लीव इज स्टोरेज पार्ट क्या है रूट इज द स्टोरेज पार्ट ओके और यू नो फ्रॉम द स्टोरेज पार्ट टू द ग्रोइंग पार्ट मीन्स ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है सो येस दिस इज ऑल अबाउट इट वी हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ जयलम नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स और प्लांट द फाइटो हॉर्मोन्स ओके तो जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर द प्लांट हॉर्मोन्स ओके लाइक यू नो वी आर ऑल्सो हैविंग हॉर्मोन्स इन आर बॉडी सिमिलरली देर आर प्लांट हॉर्मोन्स दैट इज गोइंग टू हेल्प इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है तो प्लांट ग्रोथ रेग्यूलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं सच इज ऑक्सीजन जिब्रिल्स साइटोकाइन एंड देयर इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स राइट सो दे आर दे एप्सेसिक एसिड एंड इथाइली ओके सो दे आर एप्सिक एसिड एंड इथाइली दे आर गोइंग टू यू नो इनिबिट द ग्रोथ ओके तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं प्रमोट करते हैं और कौन से हॉर्मोन्स को इनहिबिट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं कि जो जिब्रिलिन है इसका काम होता है जर्मिनेशन ग्रोथ टू मेच्योरिटी फ्लारिंग में भी हेल्प करता है फ्रूट डेवलपमेंट में ओके देन ऑक्सिन

राइट उसके बाद देखिए ये जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है ये इनहिबिटर्स हैं राइट तो एब्सिसिक एसिड विल गोइंग टू प्रमोट दिस एब्सीशन दैट इज फॉलिंग ऑफ लीव एंड आल्सो टू कीप द सीड इन द डोरमेंसी स्टेट ठीक है सो लाइक फ्रॉम दिस यू कैन गेट टू नो कि क्या-क्या फंक्शन है डिफरेंट हार्मोन्स का ओके यस सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज